विश्व में विभिन्न देशों के बीच चल रहे तनाव कम नहीं हो रहे हैं और नए तनाव और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। शेख हसीना के दौर तक तो चीजें ठीक थी, लेकिन उन्हें हटाए जाने के बाद बांग्लादेश की राजनीति और रणनीति काफी हद तक बदल गई है और आने वाले समय में इसके और अधिक बदलने की संभावना है। वहां का नया निजाम अपने हिसाब से रणनीतियां तय करेगा, इससे उसके पड़ोसियों पर असर पड़ना भी स्वाभाविक है। बांग्लादेश के ठीक पड़ोसी भारत और चीन हैं। अब बांग्लादेश के आगे के फैसलों से पता चलेगा कि उसका कौन सा फैसला किस पड़ोसी देश के लिए अच्छा और किसके लिए खराब है। इस बीच बांग्लादेश ने पाकिस्तान से गोला बारूद का आयात बढ़ा दिया है। इससे वहां के सैन्य गठबंधनों में बदलाव का संकेत मिलता है, जो कि भारत के लिए चिंता की बात है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री POF से 40 टन RDX विस्फोटक और 2900 हाई इंटेंसिटी वाले प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर दिया है। ये पिछले साल के ऑर्डर से काफी ज्यादा ऑर्डर है, क्योंकि पिछले साल शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सिर्फ 12,000 राउंड गोला बारूद का ही ऑर्डर दिया था। डिफेंस इंपोर्ट में ये बढ़त बांग्लादेश के सैन्य गठबंधनों और रणनीतिक हितों में संभावित बदलाव का संकेत माना जा रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत पाक संबंधों को देखें तो पाकिस्तान से बांग्लादेश का डिफेंस इंपोर्ट बढ़ना भारत के प्रभाव के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में लगा हो, तब ये और बड़ी चुनौती है, क्योंकि पाकिस्तान क्षेत्रीय भू राजनीति यानी रीजनल जियोपॉलिटिक्स में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में लगा है। ऐसे में बांग्लादेश के साथ इसके बढ़ते सैन्य संबंधों को क्षेत्र में भारत के प्रभाव को संतुलित करने की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। ये सब तब हो रहा है जब बांग्लादेश में अलग अलग मुद्दों को लेकर पहले से ही भारत विरोधी भावना भड़की हुई है। इसके अलावा वहां वीजा आवेदन से जुड़े एक मसले को लेकर भी दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध में तनाव है। भारत की बढ़ती चिंताओं के बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की सेना से बांग्लादेश में तख्ता पलट और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए कहा है, जिससे साफ पता चलता है कि भारत इन घटनाक्रमों को गंभीरता से ले रहा है। भारत सदैव से शांति का पुजारी रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन आज जैसी वैश्विक परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए मैंने यही सारे अपने आर्मी कमांडर्स को मैंने कहा था कि विश्व में शांति की स्थापना के लिए और स्वयं भारत में भी शांति की स्थापना के लिए सदैव हम लोगों को युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इस उद्देश्य से कहा था ताकि किसी भी सूरत में हमारी शांति भंग न होने पाए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के इंपोर्ट से यदि पाकिस्तान का डिफेंस एक्सपोर्ट बेहतर हो रहा है तो इसमें बुराई क्या है, लेकिन ये मामला ऐसे देश से जुड़ा है जो हमेशा से भारत के खिलाफ ही रहा और काफी प्रयासों के बाद भी पाकिस्तान से भारत के संबंध बेहतर नहीं हो सके।